Right, so should we start? आज से पहले मोस्ट एलिजिबल फ्रेशर्स कभी सुना था? बैचलर्स जरूर सुना था, मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स. चलिए ठीक है, अगर आप एक एलिजिबल फ्रेशर बन जाते हैं तो उसको कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा, और वो इनाम सबके दिमाग में ये होता है, एम आई राइट? ये रहे आप मोस्ट एलिजिबल फ्रेशर, और ये रहा आपके दिमाग में वो आपका सपना रखा हुआ है कैंपस प्लेसमेंट, राइट? ओके, ठीक है, दैट अपार्ट. ये क्या है, कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है ये क्या है? बहुत बढ़िया, ये कुएं का बॉटम अप व्यू है. ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया है और उनको ऐसा लगता है. वो कैंपस प्लेसमेंट वाला कब याद आ रहा है? वो आपका व्यू है और वो कुछ ऐसा है, आपको लगता है कि वो ही पराकाष्ठा है, दैट इज द पीक ऑफ द एवरेस्ट. बट थोड़ा सा रियल वर्ल्ड में आते हैं, वो रहे आप मोस्ट एलिजिबल फ्रेशर, वो छोटा सा कप रखा है, एंड दैट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ. अगर ये चीज आप आज नहीं समझेंगे तो आप अपने गलत ऑब्जेक्टिव सेट कर लेंगे. मैं यही आज आपको क्लैरिफिकेशन देने आया हूं कि आपको नजर रखनी है लॉन्ग टर्म करियर सक्सेस पे, प्लानिंग लॉन्ग टर्म करियर सक्सेस के लिए बनानी है. अगर नहीं करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स होंगे. आई टेल यू व्हाट प्रॉब्लम नंबर वन, जो कोशिश की चढ़ने की, देन रिजेक्टेड इन द कैंपस इंटरव्यू. ऐसा कई बार होता है, मेजॉरिटी लोगों के साथ होता है, इट्स नॉट एन एक्सेप्शन, इट्स अ नॉर्म. या फिर चलिए कैंपस में आप चले गए, स्टेज टू, देयर इज अ ट्रेनिंग पीरियड इन एवरी गुड कंपनी, प्रोबेशन ट्रेनिंग, व्हाट एवर यू कॉल इट. और बहुत से लोग उसके बाद किक आउट कर दिए जाते हैं. द रीजन बीइंग दिस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पहले सुनिए, क्या है, क्या होता है एम्प्लॉयबल होना, मतलब जॉब करने लायक होना. एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मतलब जॉब करने लायक स्किल्स. मैं पिछले 10 साल से सेंट्रल इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स से, बहुत सारे कॉलेजेस से इंटरेक्ट करता हूं, एंड सरप्राइजिंगली 10 साल हो गए हैं बट ये जो क्लैरिटी है अभी भी नहीं आई है. अगर नहीं आई है तो कैसे स्टूडेंट सक्सेसफुल एम्प्लॉय बनेगा बाहर जाके? और ये शिकायत सिर्फ मैं नहीं करता हूं, इंडस्ट्री वाले भी करते हैं. मान लीजिए ये 100 ग्रेजुएट्स हैं, आपको क्या लगता है कि जो इंडस्ट्री है, इट कुड बी आईटी इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, मेनी इंडस्ट्रीज जहां आप जाके जॉब करना चाहते हैं, उनको क्या लगता है कि ये 100 लोगों में से लगभग कितने परसेंट रेडिली एम्प्लॉयबल हैं? मतलब कि वो सीधे इस लायक है कि कॉलेज खत्म किया, ट्रेनिंग एंड जॉब स्टार्ट. 15-18% स्टूडेंट्स जो हैं वो रेडिली एम्प्लॉयबल होते हैं. और ये सर्वे किसी एक कंपनी ने या किसी एक इंडस्ट्री ने नहीं किया है, ये काफी सारी एजेंसीज ने, इंडस्ट्री ने सर्वे किया है, और रफली यही फिगर सामने आए हैं. Which means, इस हॉल में अगर 100 लोग बैठे हैं तो 85 will be rejected either in stage 1 or stage 2. So, it's not a joke anymore. ठीक है, मेरा पर्पज यहां आने का यह है कि मैं आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में बहुत ही क्लियर पिक्चर दूं. ठीक है, अपने दिमाग में आप इमेजिन कर लीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, और कोशिश करिए समझने की, या अपने आप ही ये जानने की कि एम्प्लॉयबल मैं कैसे बन सकता हूं. Why would a company want me? हमें एम्प्लॉयर की नजर से अगर देखना है तो कोई बहुत लंबी लिस्ट नहीं है यहां पे स्किल्स की जिससे आप एम्प्लॉयबल बन सकते हैं. इंडस्ट्री को सिर्फ ये चाहिए आपसे, टू बिकम एन एम्प्लॉयबल --, द ओनली 3 थिंग्स यू नीड आर दीज. फर्स्ट इज
प्रॉब्लम को सॉल्व करना या कुछ नया क्रिएट करने का एटीट्यूड. दूसरा है गुड सीसीपी स्किल्स. सीसीपी का मतलब होता है कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड प्रेजेंटेशन. और तीसरा है स्ट्रॉन्ग बेसिक्स. ठीक है, देन यू माइट से, समबडी कैन से, एकेडमिक्स में तो मैं बहुत अच्छा हूं, सो मेरा तो रिजर्वेशन है ही, मुझे तो अच्छी कंपनी में जाना ही है. बट नो, आई एम सॉरी, इफ यू आर गुड इन एकेडमिक्स, वेल एंड गुड, फाइन, बट अनलेस एंड अंटिल आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है, देयर इज अ ग्रेट चांस कि आप स्टेज टू यानी ट्रेनिंग के बाद यू वोंट बी रिक्वायर्ड बाय द कंपनी. ओके, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेसिक्स की बात करते हैं. बेसिक्स की बात करते हैं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है. यहां पे चाय बनाना आती सबको? अगर आपको चाय बनाना आती है तो ये कुछ चीजें हैं चाय बनाने से जुड़ी हुई, आप पढ़ सकते हैं. आई एम श्योर अगर आपको वास्तव में चाय बनाना आती है तो आप इन चीजों में बेसिक्स और एडवांस्ड एंड ऑप्शनल चीजों को अलग अलग कर सकते हैं. एम आई राइट? ये सारी बेसिक्स तो नहीं है, ये सारी एडवांस भी नहीं है. व्हाट्सएप कंपल्सरी, चाय बना ली तो व्हाट्सएप करना ही है. मेक गुड टी फॉर मी, इट्स रेनिंग आउटसाइड, फीलिंग गुड. आपका जो सिलेबस होता है ना, जो आप पढ़ते हैं, वो ऐसा ही लिखा हुआ है जैसे ये चाय बनाने के इंग्रेडिएंट्स या सारी कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं. बट द प्रॉब्लम इज आप अपने सिलेबस में बेसिक क्या है, एडवांस्ड क्या है, ऑप्शनल क्या है, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए सारे टॉपिक्स उतने ही सिंसियरिटी से पढ़ना जरूरी है. आई नो, मैंने भी पढ़े हैं. बट इंडस्ट्री के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कोर बेसिक्स ऑफ दैट फील्ड है. मैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूं. अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं, सी प्रोग्रामिंग करी है, वो एक बेसिक है. न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में सुना है, जो शायद 8 सेमेस्टर के इलेक्टिव ऑप्शंस सब्जेक्ट्स में से आता है. ओके, ऐसे बहुत सारे हैं, ये ऑप्शनल है. द पॉइंट इज The employer wants that you are very good at C programming. Neural network की जब जरूरत पड़ेगी आप सीख लेंगे. Okay? Basics. Let's talk about communication, collaboration and presentation skills. Again, पिछले 10 साल से मैं एक ही चीज repeatedly observe कर रहा हूं from batch to batch. That आप सबको यह लगता है कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, प्रेजेंटेशन, वॉट एवर यू से इट, इट्स ऑल अबाउट दिस. ऑल अबाउट वॉट? फ्लुएंट इंग्लिश. आपके दिमाग में एक हवा क्रिएट हो गया है फ्लुएंट इंग्लिश का. इंडस्ट्री में फ्लुएंट इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश न्यूज चैनल्स पे बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जहां लाइव डिबेट वो एंकर करवा रहा होता है. बट काम करने के लिए आपको कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और प्रेजेंटेशन को अलग से समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इंग्लिश का उसमें कोई रोल नहीं है. है रोल, बिकॉज सिंस मोस्ट ऑफ द नॉलेज दैट यू आर गोइंग टू यूज इन योर प्रोफेशन इज इन इंग्लिश, आपको उसकी जानकारी होना जरूरी है. क्लाइंट से इंटरेक्ट करने के लिए इंग्लिश की जानकारी होना जरूरी है. बट दैट इज लेवल टू. लेवल वन इज Are you able to communicate? आप हिंदी में ही क्या अपने विचार एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं इफेक्टिवली? दूसरा जो आइकॉन आपको दिख रहा है कोलैबोरेशन स्किल्स का, लोग हाथ पकड़े खड़े हैं बीच में, दैट इज अबाउट टीम वर्क. क्या आपको टीम में वर्क करना आता है? इतने जल्दी यस मत बोलिए क्योंकि मैं खुद अभी सीख रहा हूं. And then presentation. It's not just about the presentation which I am giving right now. Presentation of anything.
be presenting a report in a very beautiful manner so that कोई अगर उस report को पढ़ रहा है तो impress हो जाए. CCP skills improve करने का option आपके 3 साल या 4 साल के course में बहुत बहुत ही limited number of options आपके पास होते हैं. Otherwise पूरा जो education है आपका उसमें आप बैठ के सुनते हो और paper पे लिखते हो. Am I right? तो उसमें कम्युनिकेशन, टीम वर्क और प्रेजेंटेशन के आपके पास चांसेस नहीं होते, एक्सेप्शनल केसेस के अलावा. आई टॉक अबाउट दैट एक्सेप्शनल केसेस. लेट्स टॉक अबाउट दिस सॉल्व क्रिएट एटीट्यूड. अगर आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा अजीब सा फ्रेज लग रहा हो, तो मैं बता देता हूं. सॉल्व क्रिएट एटीट्यूड इज नथिंग. अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको पकड़ के आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, या अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी नया क्रिएट करने की कोशिश करें. यह कोई स्किल नहीं होती, यह एटीट्यूड होता है, यह अंदर की इच्छा होती है. एंड दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल. जो मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात कर रहा था, जो आपको मौके मिलते हैं यहां पे, वो ये है. कैन समबडी गेस ये फिल इन द ब्लैंक में क्या हो सकता है? यू कैन गेस. The whole purpose of me coming here is to tell you the importance of this one thing. ये सब भूल जाइए पुराना, सिर्फ इसको याद रखिए. ये चीज आपके employability skills के लिए सबसे ज्यादा important है. और हम इसको normally deal कैसे करते हैं? This is not a joke. This is a sad reality. ये कचरा पड़ा है, वहां से लोग चलते जा रहे हैं जितना दूर से हो सके, जितना जल्दी यहां से निकल जाएं. प्रोजेक्ट भी स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं. ये अजीब नहीं है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लॉन्ग टर्म करियर सक्सेस के लिए है, उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है. वैसे ये प्रोजेक्ट का काम निपटाने के लिए मार्केट में है ऑप्शंस, मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं. Anywhere between 2000 to 10,000, सही रेंज बता रहा हूं. 2000 से 10,000 के बीच में इसको ठिकाने लगा दिया जाएगा आपके प्रोजेक्ट को. सर आप चिंता मत करिए मैडम, प्रोजेक्ट आया आपके सिर पे, वेरी बैड, हम ठिकाने लगा देंगे इसको. सो वो एजेंसी ठिकाने लगा देती है प्रोजेक्ट को और आपके मार्कशीट में कुछ रिस्पेक्टेबल नंबर्स एड हो जाते हैं. इसका सोल्यूशन भी इंडिया में बहुत ही यूनिक है. अगर किसी दीवार के आसपास आपको बचना है कि यार यहां लोग कचरा ना फेंके, थूके नहीं, तो क्या किया जाता है? इट इज अ यूनिक इंडियन सॉल्यूशन टू कीप अ स्पॉट क्लीन क्विक. यस यस, वहां पे आप भगवान की फोटो लगा दीजिए. तो मैं आज अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन इसी मैसेज से खत्म करना चाहता हूं. कोइंसिडेंस नहीं है कि मैंने सरस्वती जी की तस्वीर चुनी. फाइनल मैसेज मेरा यही है कि आपके पूरे 4 साल या 3 साल जितने का भी कोर्स आप कर रहे हैं, 2 साल का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप दीजिए प्रोजेक्ट को. कंसिडर इट द वर्शिप ऑफ सरस्वती. इनके सामने अगरबत्ती लगाना और दिया घुमाने से कुछ नहीं होगा. आप प्रोजेक्ट को अच्छे से अच्छा कर सकें उससे होगा. आज हमारे पास टाइम नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव डिस्कस मोर कि ये अच्छे से अच्छा कैसे किया जाता है, इंडस्ट्री कैसे चाहती है आप प्रोजेक्ट को करें. बट यस, हमने एक इनिशिएटिव चालू किया है आई कैपेबल, जिसमें हम फोकस इसी पे करते हैं स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि डू द प्रोजेक्ट द वे इंडस्ट्री वॉन्ट्स यू टू डू अ प्रोजेक्ट.